बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई इंटरेस्टिंग अहम वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइड यूथ आसान अकाउंट। कल जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी वो था अलाइड यूथ अकाउंट, अब ये यूथ आसान अकाउंट। आसान अकाउंट का बेसिकली मैं आपको फंक्शन समझा दूँ कि ये एक आसान अकाउंट है, जस्ट शनाख्ती कार्ड के ऊपर ओपन होने वाला। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई बिज़नेस प्रूफ, कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई जो है ना बिज़नेस स्नैपशॉट्स कुछ भी नहीं चाहिए होते। जस्ट आपने शनाख्ती कार्ड की कापी लेके जाना है बैंक में और उसी शनाख्ती कार्ड की कापी के ऊपर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इसमें पहले तो इस आसान अकाउंट की लिमिट 5 लाख रुपये पर मंथ होती थी कि आप 5 लाख की डेबिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन की लिमिट थी आप कर सकते थे। अब बैंक ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसकी लिमिट बढ़ा दी है और इसको आप 10 लाख तक एक्सटेंड कर दिया। तो अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें 10 लाख की ट्रांजेक्शन एक महीने में कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी खास बात है। अलाइड यूथ आसान अकाउंट इज़ डिज़ाइन टू एड्रेस द बैंकिंग एज वेल एज़ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ सेट एज ग्रुप। अलाइड यूथ आसान अकाउंट इज़ द बेस्ट बैंक अकाउंट फॉर स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। खासकर ये स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास फीसेज वगैरह होते हैं, पैसे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपने अकाउंट में रख दें। लेकिन चूंकि वो अभी बरसर रोज़गार नहीं होते और उनके पास ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, इस वजह से उनका अकाउंट खुलने में दुश्वारी पेश आती थी। तो बैंक ने इस चीज़ को देखते हुए उनके लिए आसान यूथ आसान अकाउंट मुतारिफ कराया। इसको आप ओपन करें बगैर किसी सबूत के और आप अपने फीसेज वगैरह अपने इस अकाउंट में रख के अपने ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ करंट अकाउंट फॉर यूथ फ्राम द एज ऑफ 18 to 35 ईयर एंड हैज़ द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव फीचर्स। इसको 18 साल से लेके 35 ईयर तक की एज में जो मर्द हजरात, औरतें, फीमेल्स जो भी आते हैं वो इस अकाउंट को बआसानी ओपन करवा सकते हैं। इसके फीचर्स हैं इंडिविजुअल्स ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 18 to 35, इशुएंस ऑफ ब्रांडेड यूथ आसान कार्ड। आपको आसान यूथ कार्ड भी मिलेगा, 2 फ्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर मंथ। आप फ्री ऑनलाइन 2 ट्रांजेक्शन भी पर मंथ कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफ़र ऑफ इंस्टीट्यूशन फ़ी टू द कलेक्टिंग अकाउंट। आपने भी अगर फीस कहीं ट्रांसफ़र करनी है किसी आगे कलेक्टिंग अकाउंट है कोई इदारे का है या किसी और बैंक में, तो वो आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नो मंथली मेंटेनेंस और सर्विस चार्जेस, कोई इसके ऊपर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक चार्ज नहीं करेगा। पे एनी वन सेंड कैश टू एनी CNIC होल्डर्स इवन विदाउट एनी अकाउंट। अगर आपने किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है और आगे उस बंदे का अकाउंट नहीं है तो आप उसके CNIC के ऊपर उसको पैसे भेज सकते हैं। फ्री MyABL इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस, आप MyABL इंटरनेट बैंकिंग फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स में देखते हैं तो कॉरपोरेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, बैंक आपको कॉरपोरेट लेवल पर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी देगा इस अकाउंट होल्डर्स स्टूडेंट्स को। और फ्री मोबाइल ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ई स्टेटमेंट ले सकते हैं और फ्री इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है 5 लाख रुपए तक। अगर कोई हजरात अभी मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम ये अकाउंट ओपन करना चाहें तो बैंक नहीं जा सकते, तो यहाँ इस गूगल के ऊपर आप लिखेंगे आसान यूथ अकाउंट तो इसमें आ जाएंगे, ये पोर्टल खुलेगा। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, आप यहाँ से अप्लाई नाउ करें और ये अकाउंट डिजिटली भी आप खोल सकते हैं। दिन ब दिन बैंक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और बजाय आप मैनुअल तरीके के बैंक विजिट करें, बैंक में रश ज़्यादा होता है, स्टाफ बिजी होता है, तो आपको जो है ना तकलीफ़ से बचने के लिए डिजिटली भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर सी शॉर्ट वीडियो थी आसान यूथ अकाउंट के हवाले से जो मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दिया। एंड पे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि इस तरह की मालूमती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे। मैंने बैंकिंग गुरु की वेबसाइट बनाई है गूगल पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, काइंडली उसको भी विजिट करें। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें और लाइक भी किया करें। मिलते हैं अगले अहम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।